मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर हेलीकॉप्टर से इलाहाबाद पहुंचे। पुलिस लाइन में हेलीपैड पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे थे। पुलिस लाइन से सभी सफारी से हाईकोर्ट के पास स्थित पानी की टंकी चौराहा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर का जायजा लिया। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सतीश कुमार से सुरक्षा उपायों पर जानकारी ली। ट्रैफिक डायवर्जन करने को कहा। पुल पर क्रॉस बीम की मजबूती के बारे में पूछताछ की। वहां लगे बिजली के जर्जर पोल हटाने का निर्देश दिया। कि भाई पूछा कि जैसे बनारस में ऐसा तो नहीं पूरा दिखाया गया, फोटो भी देखा गया, आप देख भी रहे होंगे कि बीम वगैरह सब आपस में टाई हैं, बोर्ड बैरिकेडिंग है, सेफ्टी मेजर्स भी लिए गए हैं। आगे भी उन्होंने दे दिया कि पूर्ण ध्यान रखा जाए, गुणवत्ता से काम किया जाए और कुंभ से पहले समय पर कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। हाँ, यहाँ की प्रोग्रेस है। वो कुछ पोल थे उनको हटाने के लिए निर्देश दिए गए। हाँ, उन्होंने पूछा कि भाई वहाँ के बारे में जानकारी है, हमने कहा है जी, क्या प्रिकॉशन ले रहे हो, उनको बताया गया, दिखाया गया। सतीश कुमार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, अलापा। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मुख्यमंत्री दोनों मंत्रियों व कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर के साथ बक्सी बांध चले गए। इस दौरान मंत्री नंदगोपाल गुप्ता भी बांध पर पहुंच गए। कुंभ के मद्देनजर बांध पर इन दिनों चौड़ीकरण और बाईपास का निर्माण चल रहा है। बांध पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से काम की प्रगति की जानकारी ली।